कल भारत समेत दुनिया भर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और दुनिया भर में लोग इकट्ठा होकर योग करते हैं और योग के प्रति जागरूकता फैलाने में अपनी सहभागिता का प्रदर्शन करते हैं। और इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी ज्योति मिश्रा ने योग दिवस से पहले बाबा रामदेव के साथ एक खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत और आपके साथ मैं हूँ ज्योति मिश्रा। आज बेहद ही खास जगह, बेहद ही खास अंदाज में, बेहद ही खास शख्सियत के साथ आप देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त बुलेट पर मौजूद हैं देश और दुनिया भर में योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का पर्याय बने स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। तो इसको मैं लगा देती हूँ। तो देखिए, आज बुलेट पर स्वामी जी को बिठाने का मेरा जो सपना था वो भी पूरा हो गया है। बड़े बड़े वीआईपीज को बिठाया था स्वामी जी, इच्छा थी कि आपको भी बुलेट पर बिठा के मैं आज गाड़ी चलाऊं। बुलेट वाली रिपोर्टर के नाम से पूरी जग विख्यात हो गई हो आप ज्योति जी। तो चलिए, स्वामी जी को अपनी बुलेट पर राइड करवाने के बाद अब इंटरव्यू का ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपने वैसे कई चैनल्स पर कई बार स्वामी जी को देखा सुना होगा, लेकिन कोशिश होगी कि इस इंटरव्यू में आपको स्वामी जी के कुछ अनकहे अनसुने वो पहलू, वो कहानियां सुनवाएं जिसकी वजह से आज बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव विश्व विख्यात तो है ही लेकिन घर घर में योग का पर्याय बन चुके हैं। और आपके मन में, आपके जहन में जो भी समस्याएं, जो भी सवाल होते हैं, जो जिज्ञासाएं होती हैं, वो बहुत ही सिंपल तरीके में जानेंगे स्वामी रामदेव से। स्वामी जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से जो एक लड़का साइकिल पर घूमा करता था, पहाड़ियों में जड़ी बूटियां ढूंढा करता था, वो आज इतने बड़े एम्पायर का मालिक बना है, घर घर में योग गुरु और योग का पर्याय के नाम से जाना जाता है। वैसे मेरे नाम के साथ ही स्वामी है, मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई मेरी पर्सनल वेल्थ नहीं है। हाँ, ये मेरी वेल्थ है। देखो, आप भी ज्योति जी यदि बचपन में मेरे पास आ जाती ना तो मैं आपकी भी हाइट बढ़ा देता। वैसे आपकी हाइट तो बहुत अच्छी है, माने आपकी न्यूज एंकर्स में हाइट बहुत अच्छी है। बुलेट पे बैठने से पहले यही शिकायत थी कि हाइट बढ़वा दीजिए स्वामी जी। तो आप थोड़ा देर से मिले। अब ये देखो, ये बच्चे छोटी छोटी गुड़ियाएं हैं ये यहाँ पर, और ऊपर देखो टंगी हुई है। लोगों को नीचे शीर्षासन करने में और ये अलग अलग जो पक्षासन आदि करने में दिक्कत होती है, और एक के बाद दूसरा देखते जाइए आप। उधर देखिए ज्योति जी, क्या संतुलन है उन बच्चों का। गजब, ओह माय गॉडनेस। और मलखम्ब पर खड़े होकर के ये आसन करते हैं। चलो ऊपर खड़े हो जाओ, और खड़े होकर के, और इस पर भी आसन करते हैं ये स्वामी जी। खड़े होकर के बैठ कर के, जितने साल की प्रैक्टिस इसमें चाहिए होगी। ये देखो, ये अब इसमें इस पर आसन करते हैं। ये वृक्षासन धरती पर करना मुश्किल होता है, वो उस पर खड़े होकर के कर रहे हैं। कमाल, ये कर दिया। ऊपर भी वृक्षासन हो गया और पक्षासन हो गया, और उसके ऊपर पक्षासन भी, क्या बात है। अद्भुत, अद्भुत। अब नीचे भाई छलांग लगा दो जरा। अब ये डाई भी सीधी नहीं, उल्टी लगाते हैं। जरा कैमरे में कैप्चर करना भाई, कैमरामैन सावधानी पूर्वक। देखिए, ये कमाल। इधर इन बेटियों को देखिए, क्या जबरदस्त इनका संतुलन है। इनके चक्रव्यूह को भेद करके आप भी इधर आ जाइए। अब ये बेटियों का एक क्या एक रूपता के साथ पूरा एक इनमें रिदम है। लगातार एक दो मिनट से ये ऐसे ही संतुलन बनाए हुए है। और एक साथ चक्रासन करो बेटा, ये देखो। अब आप भी बचपन में चक्रासन करते, शीर्षासन करते, सूर्य नमस्कार करते तो और एक फिट बड़े हो जाते। खैर, ये तो एक बात हुई। ये तो अलग अलग प्रकार के, ये आपको एक दिखाया ऐसे, ये कम से कम 1000 आसन करती है बेटियां।